Hello everyone, welcome back to Starting Engineers. In this video, I'll be discussing the expected cutoff for BPSC AE having advertisement number 12019. And this cutoff will be purely based on my opinion after seeing the level of the exam and जो भी स्टूडेंट ने स्कोर कर रहे हैं वो स्कोर के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आई माइट बी रॉन्ग, माइट बी करेक्ट, ठीक है. पर इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है. ये डिटेल्ड एनालिसिस है, मतलब बेसिकली मैं सारे कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कशन करूँगा, ठीक है. तो ये वीडियो को पूरा देखिए. सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीपीएससी 1/2019 का जो एडवर्टीजमेंट था, इसमें से जो भी सीट इंक्रीज हो गया था बाद में, तो वो सीट के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं. तो आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ द सीट, ये जो न्यू सीट था जनरल का 120 था, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 30 था फॉर द वुमेन्स, ठीक है. और इसमें ईडब्ल्यूएस का 21 था, 6 था एससी के लिए, एंड एसटी के लिए 2 सीट था, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दैट मीन्स ईबीसी इसके लिए 7 था, ओके. और बीसी के लिए यहाँ पे अच्छा खासा सीट बढ़ा दिया था इन्होंने, 57 सीट था, ठीक है. टोटल यहाँ पे जो सीट ऐड किया था वो 214 ऐड किया था, और पहले से इसमें 31 सीट था. एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ द न्यू सीट, ये सीट हो गया था 245, ठीक है. तो दोस्तों, आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस नंबर ऑफ सीट, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. क्योंकि ये जो एडिशन हुआ था एग्जाम के जस्ट पहले हुआ था, आई थिंक एक सप्ताह पहले ही हुआ था. बहुत सारे कैंडिडेट तैयार ही नहीं थे एग्जाम देने के लिए, ठीक है. जैसे ही सीट बढ़ गया उसके बाद वो लोग एग्जाम देने गए थे. सो गाइस, अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द कट ऑफ मार्क्स, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सीट. तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट हमने पहले ही बात कर लिया, 245 था, और ये इंक्रीमेंट होने के बाद सीट था. और नंबर ऑफ कैंडिडेट एपेड की बात करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना अपेयर हुए थे. तो इस एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर अराउंड 7000 के आसपास कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, ठीक है. एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, बट इसके अप्रॉक्स में अपेयर हुए थे, ठीक है. और कोई भी एग्जाम का आप ले लो ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत बड़ा होता है. यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग स्टेट का भी जो पीसीएस लेवल का होता है बहुत कम स्टेट में होता है जो नेगेटिव मार्किंग रहता है. ज़्यादातर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक. द सेम यहाँ बीपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो इसमें एक कट ऑफ थोड़ा हाई जाने का प्रॉबिलिटी रहता है एज कम्पेयर टू द एग्जाम हैविंग नेगेटिव मार्किंग. क्वेश्चन लेवल की बात करें तो इसमें से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मैंने क्वेश्चन खुद देखा हुआ है, उसमें से मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं. और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि बीपीएससी ने खुद फ्रेम किए. सारे एग्जाम में बीपीएससी ने क्या करता है कि गुप्ता एंड गुप्ता या प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस एग्जाम से पूछा हुआ रहता है, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट आजकल क्या कर रहे हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता पूरा रट के जाते हैं. और एक और नया सेंसेशन बुक आया है जो यूथ पब्लिकेशन का है, वो भी सारे कोई ने बना करके रखा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है. अब मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 250 कैंडिडेट ऐसा तो होंगे जो सारे ये दोनों बुक पूरा कंप्लीट बना के गए होंगे, ठीक है. इसमें कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाता है. एक और वन फैक्टर्स दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसाइडिंग कट ऑफ, ये है इंटरव्यू. यहाँ पे बीपीएससी ने पिछले साल, मतलब जिस साल ये एडवर्टीजमेंट निकला था, इंटरव्यू को हटा दिया था. इंटरव्यू को इसलिए हटाया था कि बहुत सारा ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि इंटरव्यू में पार्शियलिटी होता है, तो उस बेसिस पे ही इंटरव्यू को नहीं रखा गया था. अब इससे होगा क्या कि इंटरव्यू जब नहीं रहेगा तो जो भी मार्क्स यहाँ पे होगा, यानी सिंगल रिटर्न एग्जाम हो रहा है, इसमें जो भी मार्क्स आ रहे हैं दैट विल बी द फाइनल मार्क्स, ठीक है. वही मार्क्स पे जो भी सिलेक्शन होना है वो फाइनल मार्क्स है. अब जाहिर सी बात है कि ये जो मार्क्स जो कट ऑफ इसके बेसिस पे डिसाइड होगा वो हाई तो जाएगा, ठीक है. तो गाइस, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान पे रखते हुए मैं एक कट ऑफ स्लैब बनाया हूँ, ओके, फॉर ईच कैटेगरी. तो वो आप देख सकते हैं.
वो मैं बता दे रहा हूँ गाइस, जनरल के लिए मैं बोल रहा कि एटलीस्ट 284 तो जाना ही चाहिए, ठीक है। 71% में मान रहा हूँ कि इतना कट ऑफ तो जाएगा ही, मैक्सिमम जो 300 है आपके अब आ रहे हैं या 304-306 के आसपास आ रहे हैं, तो आपका स्कोर सेफ है। ओके, वही फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल में 30 सीट है जनरल के लिए, जनरल फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें से 30 सीट में ज़्यादा कम नहीं जाएगा कट ऑफ ये लोग के लिए, क्योंकि आज के लड़की लोग बहुत पढ़ने वाली हो गई है, इसमें भी 272-286 स्लैब में कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वही EWS की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था इसके सीट के बारे में, तो उसमें भी ज़्यादा सीट नहीं था EWS का, और अभी मैं बता दे रहा हूँ कितना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS का 21 सीट था, 21 सीट में आपका ये अप्रोक्स 268 मिनिमम में लिखा हूँ यहाँ पे 280, ठीक है। इसको आप मान सकते हो कि मिनिमम आप 260 से और एक दो क्वेश्चन कम कर सकते हो कि 264-280 जा सकता है, ठीक है। और EBC और BC की बात करूँ तो इसमें से ये दोनों को एक में इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि EBC का सीट बहुत कम है, आई थिंक ओनली 7 सीट है, तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू BC कैटेगरी, इसलिए दोनों को मैं एक में रखा हूँ। और इसमें से 264 मिनिमम जा सकता है और मैक्सिमम 282, ठीक है। मिनिमम में 264 में सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका यदि आप एवरेज लोगे 270, तो 270 के आसपास में यदि है आपका EBC हो या BC भी हो, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन मैं कहूँगा कि 75% आपका चांसेस है कि आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे फीमेल का अब मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि सीट्स बहुत इनसिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू मेल कैटेगरी, तो इसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। और वही बात करूँ SC and ST, इसमें भी सेम अप्लाइज होता है कि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, तो दोनों को एक स्लैब में रखा हूँ। यदि आपका स्कोर 260-276 के बीच में आ रहा है तो आपका ऐसा सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। और इसमें भी बोल सकते कि ज़्यादा इससे कम नहीं जाएगा क्योंकि सीट को बहुत कम है, 5 या 2 सीट ऐसे करके इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। इसमें भी फीमेल का सीट ज़्यादा नहीं है, और भी बहुत सारा PH कैटेगरी जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी है वो सारे भी सीट हैं, तो वो सीट के बारे में कट ऑफ एक्जैक्टली प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। सो गाइज, ये कट ऑफ में भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस रेंज में आपको यदि मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन के चांस काफ़ी हाई है, ठीक है। और इफ़ यू डोंट एग्री विथ मी देन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट शुड द कट ऑफ मार्क्स, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू गाइज।